वेलकम बैक दोस्तों, आप सबका एक नए वीडियो में फिर से स्वागत है। दोस्तों आज का ये जो वीडियो है वो छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इसमें जो है मैं क्लास टेंथ और क्लास ट्वेल्थ के जो स्टूडेंट्स के मन में आने वाले जो क्वेश्चन हैं, जैसे कि आपकी परीक्षा कब होगी, क्या आपको असाइनमेंट के बेस में पास आउट किया जा सकता है इस साल 2021 के एग्जामिनेशन में, क्या आपको दोस्तों रोल नंबर कब आएगा, आपका रोल नंबर के बाद आपका प्रवेश पत्र कब आएगा, और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है सभी के मन में कि आपको भी क्या घर में बैठ करके क्या कर सकते हैं, लिखने वाली सुविधा या परीक्षा आपको होगी क्या नहीं होगी। ये सबके मन में आने वाले जो डाउट हैं उनको मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। बस आपको एक काम करना होगा कि इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना होगा, तभी आपको सारी बातें क्रिस्टल क्लियर होंगी और अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले बात के क्वेश्चन के आंसर दे दें कि आपकी जो परीक्षा है वो कब होगी। दोस्तों जो आपकी परीक्षा है वो होगी, लेकिन वो कैसे होगी, घर में बैठ के लिखने वाली परीक्षा आपका हो सकता है मेरे को लग रहा है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर क्लास ट्वेल्थ के जो स्टूडेंट हैं 2021 के, उनको दोस्तों कोरोना के संक्रमण को देखते हुए घर में उत्तर पुस्तिका और आंसर पुस्तिका दोनों को लेकर के यहाँ पर आपको घर में बैठ करके लिख करके जमा करना है। तो दोस्तों मेरे ख्याल से शासन को या शिक्षा मंडल को भेदभाव नहीं करना चाहिए, अब ओपन स्कूल वालों का भी ऐसा ही सिस्टम रखना चाहिए, ऐसा होना चाहिए दोस्तों, ऐसा मेरे को लगता है और ऐसा करना चाहिए शासन को। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, कि क्या आपको असाइनमेंट के बेस पर पास आउट किया जा सकता है। अगर बात करें दोस्तों क्लास टेंथ की और ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स की कि असाइनमेंट के बेस पे पास आउट किया जा सकता है ओपन वाले स्कूल को, तो दोस्तों क्लास टेंथ वाले स्टूडेंट का बनता है चांस कि उनको असाइनमेंट के बेस पे पास आउट किया जा सकता है, लेकिन क्लास ट्वेल्थ के जो ओपन स्कूल वाले स्टूडेंट हैं उनको पास आउट करना पॉसिबल नहीं बनता, क्योंकि दोस्तों इनको जाना पड़ता है कॉलेज में एडमिशन के लिए और इनको जाना पड़ता है स्कूल में। तो दोस्तों स्कूल में सर्वाइव किया जा सकता है, लेकिन कॉलेज में सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल होगा। ठीक है, तो इनको क्या कर सकते हैं, रेगुलर जो स्टूडेंट हैं क्लास टेंथ के उनको तो असाइनमेंट के बेस पे पास आउट किया जा चुका है। वैसे ही मेरे को लग रहा है दोस्तों कि क्लास टेंथ के जो स्टूडेंट हैं उनको भी असाइनमेंट के बेस पे पास आउट किया जा सकता है ओपन स्कूल वाले लोग का, लेकिन क्लास ट्वेल्थ वाले को मेरे को नहीं लग रहा है दोस्तों। भले ही आपको घर में बैठ करके आंसर शीट और क्वेश्चन शीट दोनों को दे के आपको घर में बैठ करके लिख करके स्कूल में ला के जमा करना पड़ेगा, ऐसा मेरे को इसमें संभावना लग रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो दोस्तों अब सबसे बड़ा क्वेश्चन लेने जा रहे हैं हम, रोल नंबर और प्रवेश पत्र, इन दोनों के बिना कोई भी एग्ज़ाम देना मुमकिन ही नहीं है, कोई भी एग्ज़ाम कराना मुमकिन ही नहीं है। तो दोस्तों ये दोनों जो हैं वो बहुत ही जल्द आएंगे, बहुत ही जल्द आने वाले हैं, क्योंकि क्लास जो ट्वेल्थ के जो अभी एग्जामिनेशन है उस पर अभी केवल फोकस किया जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं बाजू में इस तरह हमारे सचिव हैं, उनका बयान देखिए कि लिखा क्या है, उसके बाद अभी वो बोल रहे हैं कि कभी क्लास ट्वेल्थ के जो एग्जामिनेशन उस पर फोकस किया जा रहा है, क्योंकि दोस्तों क्लास ट्वेल्थ के एग्जामिनेशन में फोकस इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पहली बात तो कोरोना संक्रमण को देखते हुए, क्योंकि थर्ड वेव आने से पहले ही सबको कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, और ट्वेल्थ के बाद जैसे इनका जो एग्जामिनेशन ख़त्म होता है दोस्तों, वैसे ही ओपन बोर्ड वाले के ऊपर फोकस किया जाएगा, और ओपन बोर्ड वाले के ऊपर जैसे ही फोकस किया जाएगा दोस्तों, आपका रोल नंबर, आपका प्रवेश पत्र, सभी की सभी चीज़ें आपको 15 जून तक के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। क्योंकि मैं बता दूं जो ट्वेल्थ का एग्जामिनेशन है दोस्तों, वो 1 तारीख से 5 तारीख का आपको उत्तर पुस्तिका दिया जाएगा रेगुलर वालों का। ठीक है, तो रेगुलर वालों का दिया जाएगा मतलब कि ये आपका 15 तारीख के आसपास तक चलेगा। तो 15 तारीख के आसपास दोस्तों ओपन स्कूल वालों का आपका रोल नंबर, आपका प्रवेश पत्र आ सकता है। ठीक है, यही है दोस्तों, और आपका एग्ज़ाम जो है वो 20 जून के आसपास मेरे ख्याल से स्टार्ट हो जाना चाहिए, और घर में बैठ करके लिखने वाली व्यवस्था होनी चाहिए दोस्तों, ये होनी चाहिए, क्योंकि भेदभाव नहीं होना चाहिए रेगुलर वाले स्टूडेंट्स के ऊपर भी और ओपन वाले स्टूडेंट्स वाले ऊपर भी, सेम चीज़ें नियम लागू होनी चाहिए। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपके मेरे सुझाव कैसे लगे, ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर बताइएगा, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को हाथ जोड़ करके विनती है आप लोगों से कि सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए डेली ऐसे ओपन स्कूल और एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोज़ लाते रहते हैं। तो दोस्तों अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।